हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज मंत्रा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा। बिजनेस मंत्रा पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस आइडियाज, अर्न मनी, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, पब्लिसिटी आदि के बारे में जानकारी देते हैं, जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। यदि आप हमारे वीडियो नियमित पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे बने लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही पास में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि बिजनेस मंत्रा पर वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए खास टिप्स बता रहे हैं। पहला टिप्स है, माल सस्ते में बेचें। नए बिजनेस शुरू करने वाले हमेशा याद रखें, बिजनेस में आगे बढ़ना है तो माल को सस्ते में बेचें। माल सस्ते में बेचने का मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्ट के एक्चुअल रेट से कम पर बेचें। कम रेट पर बेचने से मतलब है उस पर मार्जिन कम रखें। इससे कस्टमर आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, आपकी शॉप पर कस्टमर की संख्या बढ़ने लगेगी, माल भी अधिक सेल होगा। अधिक सेल का मतलब है अधिक प्रॉफिट। नंबर दो, सेल लगाएं। सेल के द्वारा काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। ब्रांडेड कंपनियां भी इसे अपनाती है, सेल लगाकर काफ़ी माल बेच लेती है। आप भी अपने शॉप पर 20% 30% की छूट जैसे सेल लगाकर कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेल के लिए कुछ यूनिक आइडिया क्रिएट कर सकते हैं तो इसका और भी अधिक रिस्पांस मिलेगा। नंबर तीन, एक के साथ एक फ्री या दो चार फ्री। जी हाँ, एक के साथ एक फ्री या दो चार फ्री प्रोडक्ट देने का आइडिया कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। इसके द्वारा एक साथ काफ़ी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप किस आइटम पर यह पॉलिसी लागू करेंगे। अधिकतर दुकानदारों द्वारा कपड़ों के आइटम पर यह छूट देते हुए देखा गया है। नंबर चार, आज नहीं तो कभी नहीं। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आज नहीं तो कल नहीं वाली पॉलिसी अपना सकते हैं। इसके द्वारा कस्टमर को आप ये बताने की कोशिश करेंगे, आज हम जितना सस्ता दे रहे हैं वह कभी नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी से काफ़ी अच्छे कस्टमर पा सकते हैं, पर यह पॉलिसी बार बार काम नहीं आएगी। साल में एक आध बार ही आजमा सकते हैं। नंबर फाइव, एक से अधिक की खरीदी पर छूट। एक से अधिक सामानों की खरीदी पर खास छूट, जैसे दूसरे शर्ट खरीदने पर 20%, तीसरा खरीदने पर 30% की छूट जैसी स्कीम लगाकर कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा सेल ले सकते हैं। नंबर सिक्स, डेडलाइन दे। जिस तरह से फ्लाइट बुकिंग में लिखा होता है कि जल्दी करें, सिर्फ दो सीट बची है, कुछ इसी तरह से पब्लिसिटी करें, कुछ दिन बचे हैं, क्या केवल 7 आइटम ही बचे हैं। ऐसे में स्टॉक खत्म होने के डर से लोग दौड़े दौड़े आपकी शॉप पर चले आएंगे और आप अच्छा सेल पा सकते हैं। नंबर सेवन, कैशबैक ऑफर दे। आजकल कैशबैक ऑफर काफ़ी चल रहा है। किसी कंपनी के साथ जुड़कर आप भी कैशबैक ऑफर कस्टमर को दे सकते हैं। गिफ्ट वाउचर जैसे स्कीम चला सकते हैं, यह भी कस्टमर द्वारा पसंद किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आने पर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। सेल बढ़ाने के लिए और भी नई जानकारी बिजनेस मंत्रा ब्लॉग में दिया गया है। ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बिजनेस के बारे में नई नई जानकारी पाने के लिए आप बिजनेस मंत्रा वेबसाइट पर विजिट करें। आप हमें MK मजुमदार फेसबुक पेज, बिजनेस मंत्रा पिंटरेस्ट सेट और इंस्टाग्राम LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। गुड बाय, टेक केयर।